अच्छा नहीं काम है। जी ये जो है इस तरह हमने इसको साफ कर लिया है। इसमें से कुछ अभी बाकी है, ये देखें, आपको मैं दिखाता हूँ। इसमें कुछ कुछ एक एक दो दाने बाकी हैं, अभी थोड़ी सी गीली है, बारिश में बहुत। जी इसको अच्छी तरह से हमने 5 दिन के बाद, 5 दिन लगातार इसको धूप लगने दी है। धूप लगने के बाद जैसे ये खुश्क हुई है, बारिशें भी कुछ हुई हैं 3-4 बहुत ज़्यादा, तो ये थोड़ा सा दिन ज़्यादा ले लिए हैं। अब खुश्क होने के बाद आज हमने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। और मज़ीद आप जो है पंखे की ज़रूरत है, मतलब पंखा और छानने के थ्रू इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। सरसों को धूप पे खुश्क होने के लिए डाल दिया, इसका 2 दिन हम वेट करेंगे इंशाल्लाह। अब जा रहे हैं कारखाने। पहुंच के फैक्ट्री, अब यहाँ पे ऑयल जो है सरसों का वो निकलवाएंगे और इसके बाद इंशाल्लाह जितना प्रोसेस है सारे का सारा आपको लाइव इंशाल्लाह वीडियो के साथ मैं कवरेज करूंगा और आपको दिखाऊंगा। लेट्स गो, चलते हैं। अभी कैसे बनती है, खाल कैसे बनती है, और साथ जो है सरसों का तेल जो हम किचन में इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ चीज़ें फ्राई करने के लिए, तो कैसे बनता है, लेट्स गो चलते हैं। सबसे पहले बीज डाला गया था, बीज डालने के बाद जो एक्स्ट्रा इसकी खाल है इधर निकल रही है। वेस्टेज जो है इसका, ये वेस्टेज भी जानवरों को डालने के काम आता है। ये सरसों का ऑयल जो है यहाँ से नीचे छाननी में जो है अच्छी तरह छनने के बाद और उसके अंदर टीन के अंदर जा रहा है। आपको मेरी ये वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इंशाल्लाह मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और ये जो सरसों का ऑयल है हमारे अपने किचन में सालाना किचन में यूज़ करने के, इसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें फ्राई कर सकते हैं। इसमें आप मुख्तलिफ़ चीज़ें फ्राई कर सकते हैं, जैसे पकौड़े समोसे हो गए। और मछली जो है बहुत अच्छा रहती है सरसों के ऑयल में, आप फ्राई करके खाएँ, उसकी तासीर भी ठंडी होती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसके बाद हमारा सरसों का ऑयल बन के बिल्कुल तैयार है। आप ये कैन में आप इसे डाला जा रहा है, बिल्कुल फ्रेश सरसों का ऑयल। आप देख सकते हैं हम वापस घर जा रहे हैं और गंदम की कटाई का सीज़न भी आ गया है। ट्रैक्टर के आगे रैपर जो हैं कटिंग मशीन वो भी चलना शुरू होगी। वापस घर पहुंच गए हैं मैं और चाची फरीद। हाय हाय, आज की वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ दें मुझे और अंकल फरीद को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।